मसी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नाइजीरिया इस्लामिक जिहादियों ने 2021 के पहले चार महीनों में 1,470 ईसाइयों की हत्या और 2,200 से अधिक लोगों का किया अपहरण। नाइजीरिया विनाशकारी रूप से सबसे अधिक मसीह मारे गए देशों में से एक है और मसीहों के लिए सबसे खतरनाक जगह है और इसके साथ ही अफ्रीका के इस्लामी जिहाद और धार्मिक दल का सबसे नया केंद्र बना हुआ है। गिनती के रूप में चौंकाने वाला तत्व यह है कि इस देश ने पिछले चार महीनों में या जनवरी से अप्रैल 2021 तक 1,470 ईसाइयों को खोया है। साथ ही इस अवधि के दौरान जिहादियों द्वारा अगवा की गए 3,200 नाइजीरियन लोगों में से कम 2,200 नाइजीरियन मसीह थे। इन चार महीनों में 1,470 मसीह मौतें 2014 के बाद से दर्ज की गई है। 2014 के बाद इन चार महीनों में सबसे अधिक मसीह लोग मारे गए हैं और ये विशेष रूप से 2019 में मारे गए मसीहों की कुल संख्या को पार कर गई है। और यह याद किया जाता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ ने जनवरी 2021 की शुरुआत में गिनती रूप से खुलासा किया कि 2020 में नाइजीरिया में जिहादियों द्वारा 2,400 से अधिक मसीहों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अमेरिका स्थित ओपन डोज द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार सताए गए मसीहों की संख्या नाइजीरिया में नवंबर 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच 3,530 मसीह मारे गए हैं। मसीह न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।